हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। आपको बता दें, अगर आप SSC JEE ISRO या अदर PSU एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेट्स क्वेश्चन नंबर 1। द गेटिंग रेशियो रिफर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों, जब हम कास्टिंग प्रोसेस में जो हमारा वर्टिकल चैनल होता है, इसको बोलते हैं स्प्रू। स्प्रू से होकर हमारा जो मेल्टिंग मेटल होता है दोस्तों, वो आपका पहुंचता है रनर में, रनर से होकर आपका फिर फाइनली आपका इन गेट से होकर मोल्ड कैविटी में पहुंच जाता है। तो जो रेशियो होता है दोस्तों, वो सीक्वेंस में होता है स्प्रू रेशियो रनर रेशियो इन गेट। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच सॉलिड फेज इज कन्वर्टेड इन टू टू मोर इंटीमेटली मिक्स सॉलिड ऑन कूलिंग। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर हम आयरन कार्बन ड्राइंग अगर हम ड्रा करें तो वाई एक्सिस पे होता है आपका टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे होता है कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो 8.8% दोस्तों, वहाँ पर आपका जो रिएक्शन होती है वो होती है यूटिक्ट्रायड रिएक्शन। यहाँ पर हमें गामा आयरन जो उसकी सॉलिड फॉर्म में होता है कन्वर्टेड होता है आपका अल्फा आयरन प्लस सीमेंटाइट Fe3C। तो आपका आंसर हो जाएगा यूटेक्ट्रायड रिएक्शन। आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। तो आपको बता दें दोस्तों, जब हमारी ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा हो तो जो क्लियरेंस हम प्रोवाइड कराते हैं वो आपका प्रोवाइड कराते हैं पंच पे। तो आपका आंसर हो जाएगा पंच, 3 इज करेक्ट। क्योंकि जब हम पंच डायमीटर लिखते हैं दोस्तों, तो वो होता है आपका डाई डायमीटर माइनस 2 इंटू क्लियरेंस। तो आप देख रहे हैं, जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं वो पंच पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द वेराइटी ऑफ कास्ट आयरन विच हैज मैक्सिमम हार्डनेस। तो आपको बता दें दोस्तों, जो वाइट आयरन होता है दोस्तों, वो ज़्यादा हार्ड होता है आपका कैटेगरी ऑफ कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, राइजर इज डिजाइन एज टू। तो आपको बता दें दोस्तों, जो राइजर होता है वो आपका कंपनसेट करता है लिक्विड श्रिंकेज एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। ये आपका बनाया जाता है इसलिए कि जो श्रिंकेज हो रहा है उसको मटेरियल सप्लाई कर सके, एक्स्ट्रा मटेरियल। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रीज आफ्टर फ्रीजेज कास्टिंग। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्योंकि जब आपकी कास्टिंग फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद फ्रीज होगा दोस्तों, तभी तो मटेरियल वो सप्लाई कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच आप फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोर वेल्डेबल। तो आपको बता दें दोस्तों, वेल्डेबिलिटी वो जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ लेस कार्बन। वेल्डेबिलिटी की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोस्तों परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में सबसे लेस कार्बन परसेंटेज है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 0.015% ऑफ कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन मशीनिंग ऑपरेशन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूसेस 50% एज्यूमिंग एन इजकल टू 0.5, सी इजकल टू 300 एंड टेलर इक्वेशन द इंक्रीज इन टूल लाइफ। तो आपको बता दें दोस्तों, जो टेलर इक्वेशन होता है वो रिलेशन होता है V1 T1 के पावर n इजकल टू V2 T2 के पावर n। दोस्तों, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो मीटर पर मिनट में होगी, मीटर पर मिनट। वहीं जो आपका टाइम होगा वो आपका मिनट में होगा। चूँकि दोस्तों आपका वेलोसिटी रिड्यूस है 50%, तो यहाँ से हो जाएगा V1 T1 के पावर n इजकल टू V1 by 2 T2 के पावर n। जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 2 के पावर 1 by n इजकल टू T2 by T1। चूँकि जो n दिया 0.5 है दोस्तों, तो हो जाएगा 2 के पावर 2, यहाँ से हो जाएगा T2 by T1 इजकल टू 4, 2 के पावर 2 होगा दोस्तों 2, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा
बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द वेल्डिंग प्रोसेस विच यूजेज ब्लैंकेट ऑफ फ्यूजिबल ग्रैनुलर फ्लक्स, तो आपको बता दें दोस्तों जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है उसमें आपका फ्लक्स यूज होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपको बता दें सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो होती है वो ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी कंपोनेंट को वेल्ड किया जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द स्ट्रक्चर विच हैज हाईएस्ट पैकिंग फैक्टर आर, तो आपको बता दें दोस्तों अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जो पैकिंग फैक्टर होता है वो 0.52, वहीं बीसीसी की बात करें तो 0.68 और एफसीसी की बात करें तो होता है 0.74, वहीं एचसीपी की बात करें दोस्तों तो उसका भी होता है 0.74, तो आपका आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में है HCP हेक्साक्लोज पैक्ड लैटिस और ऑप्शन सी में है FCC फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि इक्वल आपका पैकिंग फैक्टर होता है FCC और HCP का जो कि होता है 0.74। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द एलिमेंट विच मेक्स स्टील स्टेनलेस, तो आपको बता दें दोस्तों जब भी हम स्टील में आपका क्रोमियम ऐड करते हैं तो हमारी जो स्टील होती है वो स्टेनलेस कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें अगर हम स्टील में कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएं दोस्तों तो आपकी हार्डनेस बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अ कटिंग टूल हैविंग टूल सिग्नेचर एज 10 9 6 6 8 2 2 8 8 2 विल हैव साइड रेक एंगल, तो आपको बता दें दोस्तों ये आपका रिप्रेजेंट होता है बैक रेंग एंगल, फिर उसके बाद होता है साइड रेंग एंगल, इंड कटिंग रिलीफ एंगल, साइड कटिंग रिलीफ एंगल, फिर आपका होता है साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग, फिर आपका लास्ट में आता है नोज रेडियस, तो आप यहाँ से कंपेयर करा लेंगे दोस्तों, आपका पूछा साइड रेक एंगल तो ऑप्शन सेकंड पे आपका आएगा साइड रेक एंगल, तो आपका 9 इस करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर, तो आपको बता दें दोस्तों इसको लास्ट वेक्स प्रोसेस भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को, ये यूज होता है कॉम्प्लेक्स शेप के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप हमें बनाना हो तो यूज करते हैं हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा शेप्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट एंड कांट कास्ट बाई अदर मेथड, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द मशीनिंग प्रोसेस इन विच द वर्क पीस इज डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो आपको बता दें दोस्तों जो ECM प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, वो आपका जो वर्क पीस होता है वो और इलेक्ट्रोड दोनों हमारे इलेक्ट्रोल में डिजॉल्व होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक केमिकल। आपको बता दें ये फैराडे लॉ पे वर्क करता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द चैपलेट आर यूज टू इन द मोल्ड फॉर, तो आपको बता दें दोस्तों जब भी हमें हॉलो कास्टिंग बनाने की ज़रूरत होती तो हम यूज करते हैं कोर, और उसी कोर्ड को सपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं आपका चैपलेट, तो आपका आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट द कोर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द पीक वैल्यू ऑफ रफ सर्फेस इज मशीनिंग ऑपरेशन इज 32 माइक्रोमीटर, एज्यूमिंग सरफेस रेफरेंस प्रोफाइल इज ट्रायंगुलर द सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रेफरेंस, तो आपको बता दें जो सेंटर लाइन एवरेज रफनेस आती दोस्तों वो मैक्सिमम रफनेस डिवाइडेड बाई 4, ये 1/4 होती है, तो यहाँ जो आएगा 32/4, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 माइक्रोमीटर, यहाँ पे दोस्तों माइक्रोमीटर है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक सडनली अ लिटिल आर नो डिफार्मेशन इज नोन एज, तो आपको बता दें दोस्तों जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें कोई डिफार्मेशन नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील,
तो आपको बता दें दोस्तों, स्टील तीन टाइप के होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील। जो लो कार्बन स्टील कैटेगरी में आता है वो होता है 0.1 से, जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.3 तक होता है दोस्तों, 0.15 तक। फिर आपका 0.15 से मीडियम कार्बन स्टील का जो होता है 0.3 तक, वहीं 0.3 से आपका 2.1% तक होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा 0.3। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द एस्टिलीन ऑक्सीजन टू एस्टिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। गैस वेल्डिंग में आपके तीन टाइप की फ्लेम होती है दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो एस्टिलीन से कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.9:1। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट फॉर कार्बोराइजिंग। वहीं अगर न्यूट्रल फ्लेम की बात करता तो 1:1 होता था दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग की बात करेगा तो ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो आपको बता दें दोस्तों, ये अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उसको हटा दें तो ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती इलास्टिसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। मेलेबिलिटी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, आप किसी भी मटेरियल को थिन शीट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडक्टिलिटी की बात करें तो थिन वायर में आप ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द चार्पी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। तो आपको बता दें फॉर ब्रिटल मटेरियल दोस्तों, क्योंकि इसमें नो प्लास्टिक जोन होता है दोस्तों, तो नो डिफॉर्मेशन होता है, तो हम यूज करते हैं चार्पी टेस्ट। तो फॉर ये आपका टफनेस के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसको हम इम्पैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है जो चार्पी टेस्ट में होता है दोस्तों, जो हमारा वर्क पीस होता है उसको हम सिंपली सपोर्टेड रखते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, फ्लूडिटी इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो आपको बता दें दोस्तों, जो मोल्टन मेटल होता है अगर वो हमारा हाइयर टेम्परेचर यानी पोरिंग टेम्परेचर उसका हाई है, तो जो हमारी फ्लूडिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। जब भी दोस्तों आपका ग्राइंडिंग व्हील आपका हाई स्पीड से रोटेट करता है, वर्क पीस के संपर्क में आता है, तो जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो ग्लेज्ड हो जाते हैं, तो उनको शार्प करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उस वो कहलाता है आपका ड्रेसिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। दोस्तों इलेक्ट्रोड और वर्क पीस में जो आर्क क्रिएटेड होती है वो होती है ड्यू टू करेंट। तो आपका हो जाएगा आंसर फ्लो अप करेंट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। तो आपको बता दें दोस्तों, जो मिलिंग मशीन होती है वो कैटेगराइज होती है आपका आर्बर टाइप से। अगर आपका हॉरिजॉन्टल है डायरेक्शन में तो वो होगी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वहीं वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्बर। जो स्पिंडल होता है दोस्तों, इसी को मिलिंग मशीन में कहा जाता है आर्बर। डैश सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव मैक्सिमम हार्डनेस टू सरफेस। तो आपको बता दें दोस्तों, केस हार्डनिंग में जो हम बाहर की लेयर को हार्ड करते हैं वही होता है आपका सरफेस हार्डनिंग। तो इसमें जो दोस्तों नाइट्राइडिंग प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम हार्डनेस आपको देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, नाइट्राइडिंग। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, वाइल कूलिंग अ क्यूबिकल कास्टिंग साइड ऑफ 40 mm अंडर गो 3%, 4% और 5% वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग द लिक्विड स्टेट फेज ट्रांजिशन द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंपोज फ्रॉम राइजर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो राइजर कंपनसेट करता है वो आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और लिक्विड श्रिंकेज को करता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा
थ्री और 4% को ऐड करके हम जब करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7%। जो लास्ट है दोस्तों, ये आपका सॉलिड श्रिंकेज है जो कंपनसेट होगा आपका पैटर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इन विच आर फॉलोइंग मिलिंग ऑपरेशन कटर इज रेटेड इन सेम डायरेक्शन आप ट्रेवल इन वर्क पीस। तो आपको बता दें दोस्तों, जब हमका कटर और वर्क पीस सेम डायरेक्शन में है तो वो आपकी कहलाती है डाउन मिलिंग, इसको आप क्लाइम मिलिंग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो आप दो। आपको बता दें दोस्तों, जो ट्रू रेशियो होता है वो होती है इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस और टू स्ट्रेस में रिलेशन याद रखना है। जो टू स्ट्रेस होता है दोस्तों, वो होता है 1+ स्ट्रेन इंटू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट इज, तो आपको बता दें जो ऑस्टेनाइट होता है दोस्तों वो गामा आयरन कहलाता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका FCC होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वहीं बात करें डेल्टा आयरन की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है BCC। वहीं बात कर लें अगर हम अल्फा आयरन की, तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है BCC, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, द मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट डिसाइडेड द कटिंग फोर्स इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन, तो आपको बता दें दोस्तों, जब अगर हम ब्लैंकिंग फोर्स की बात करें तो ये आता है, अगर सर्कुलर के लिए πdt, ये होता है पेरीमीटर एरिया इंटू सीयर स्ट्रेंथ। तो चूंकि हम देख रहे हैं फोर्स जो निकाल रहे हैं उसमें सीयर स्ट्रेंथ आपका फार्मूले आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीयर स्ट्रेंथ बी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, विच आर फॉलोइंग गवर्नर इज यूज टू ड्राइव ग्रामोफोन, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो पिकरिंग गवर्नर होता है यूज होता है आपका ग्रामोफोन में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हियरिंग बोन गियर इज, तो आपको बता दें दोस्तों, जो डबल हेलिकल गियर होता है वो आपका कहलाता है हियरिंग बोन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। हियरिंग बोन में जो दोस्तों एक्जियल फोर्स होता है वो जीरो होता है, एक्जियल जीरो थ्रस्ट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ देन द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, आप जब भी कोई दोस्तों बॉडी आपकी प्योर रोटेशन में हो, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन सरफेस एंड रोलिंग बॉडी, तो वही आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो आपका आंसर हो जाएगा देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एग्जाम्पल ऑफ डैश पेयर, तो बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है दोस्तों वो आपका कहलाता है स्फेरिकल पेयर, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग साइकिल इज यूज फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, तो आपका स्पार्क इग्निशन इंजन दोस्तों आपका जो यूज होती है वो होती है ऑटो साइकिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, द वाच इज फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर क्रीप इन ड्राइव बेल्ट, तो आपको बता दें दोस्तों, जो बेल्ट में आपका क्रीप डिफॉर्मेशन आता है वो आता है ड्यू टू अनइवन टेंशन एंड कंप्रेशन, तो हो जाएगा डिफरेंस एलोंगेशन द बेल्ट ड्यू टू टेंशन ऑन टू साइड ऑफ पुली, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, द कंसिडर द ग्रुबर क्राइटेरिया फॉर प्लेनर मैकेनिज्म एज F=3N-1-2J-H, वाट डज रिप्रेजेंट J इन द एबव इक्वेशन, तो आपको बता दें जो दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए आता है 3N-1-2J-H, जो J होता है दोस्तों वो आप रिप्रेजेंट होता है आपका नंबर ऑफ लोअर पेयर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। वहीं बात करें एच की, तो वो होता है नंबर ऑफ हायर पेयर, बात करें एन की तो होता है नंबर ऑफ लिंक। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, द इंजन एज द प्राइम मूवर मस्ट बी हैव बोथ फ्लाई व्हील एंड द गवर्नर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम,
फॉर विच आर फॉलोइंग पर्पज फॉलोइंग, तो आपको बता दें दोस्तों ये मिनिमाइज करने के लिए होता है टू फ्लैक्चुएसन ऑफ स्पीड, और जो फ्लाई व्हील होता है वो आपका यूज होता है यूनिफॉर्म पावर के लिए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर मिनिमाइज द फ्लैक्चुएसन ऑफ स्पीड, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म विल प्रोड्यूस, तो आपको बता दें दोस्तों जो क्रैंक एंड रिवर स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में यूज होता है वो आपको होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये आपका ऑसिलेटिंग मोशन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा वन, ऑसिलेटिंग मोशन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, विच इक्वेशन डिफाइन द कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएसन, तो कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएसन डिफाइंड होता है दोस्तों मैक्सिमम फ्लक्चुएसन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मैक्सिमम फ्लक्चुएसन डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग क्लच इज ऑल्सो कंसिडर एज वेट क्लच, तो आपको बता दें दोस्तों जो मल्टी प्लेट क्लच होते हैं वो कहलाते हैं आपके वेट क्लच, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, पॉइंट एन बीम विच द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम द शियर फोर्स एट द पॉइंट इज, तो आपको बता दें जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट इजकल टू शियर फोर्स। अगर दोस्तों शियर फोर्स हमारा जीरो हो जाए तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डी बाई डी एक्स आप हमारा मिल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट इजकल टू जीरो, तो ये कंडीशन होती है दोस्तों फॉर मैक्सिमा, तो आपका आंसर हो जाएगा वन मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, स्टील रॉड ऑफ ओरिजिनल लेंथ 200 mm एंड फाइनल लेंथ 200.2 mm आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल टेंसाइल फोर्स 20 kN, व्हाट विल द स्ट्रेन डेवलप इन, तो आपको बता दें जो दोस्तों स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 200, यहाँ से आ जाएगा 0.001 mm, mm नहीं दोस्तों क्योंकि ये यूनिट लेस होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ वायर इफ रेडियस ऑफ वायर सब्जेक्टेड टू लोड इज डबल, तो आपको बता दें दोस्तों जो यंग मॉडुलस होता है ये प्रॉपर्टी मटेरियल प्रॉपर्टी होता है आप मटेरियल की, ये आपका डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिमेन अफेक्टेड। जैसे बात करें अगर स्टील की दोस्तों तो जो यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो 210 मेगापास्कल होती है, वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो 70 मेगापास्कल आसपास होती है, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट टार्क एंड बेंडिंग मोमेंट इन द नंबर मेंबर सब्जेक्टेड टू टार्क ऑफ मैग्नीट्यूड 400 एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 300, तो जो इक्विवेलियम टार्क होगा दोस्तों वो होगा टार्क का स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर अंडर रूट आगे 500। वहीं जो बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट आता है वो आता है बेंडिंग मोमेंट प्लस इक्विवेलेंट टार्क डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 500 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 400, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 500 एंड 400। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, चूज द करेक्ट मटेरियल विच बिलोंग द कैटेगरी ऑफ हाईली इलास्टिक, दोस्तों जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है वो होती है अगर हम किसी कंपोनेंट पे लोड अप्लाई करें और उसे रिमूव करें तो ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लें, तो हमारे ऑप्शन में जो स्टील है दोस्तों वो हाईली इलास्टिक होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रबर है बट ऐसा गलत है, स्टील हमारा हाईली इलास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, बॉडी सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट हैविंग वैल्यूज एट 200 MPa, 150 MPa एंड 100 MPa, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो आपको बता दें दोस्तों जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है अगर हमारा 3D में कम स्ट्रेस अप्लाई हो रही हो
तो जो टू मैक्सिमम होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू डिफरेंस में, या सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाई टू, या सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू। इसमें से जो मैक्सिमम होगा दोस्तों वही हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टू, आपका आ जाएगा 50 मेगा पास्कल, यही मैक्सिमम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, व्हाट हैपेंस व्हेन द हीट सप्लाइड टू सिस्टम मोर देन द वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ सिस्टम। तो जो रिलेशन होता है दोस्तों हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वो होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। जो डी यू है दोस्तों यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। आप देख रहे हैं अगर हम वर्क इनपुट से ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो हमारा यूज होगा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, तो हो जाएगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, अ कार्नोट हीट पंप इज यूज टू मेंटेन रूम टेम्परेचर ऑफ 27 सेंटीग्रेड। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम वाज माइनस 4 सेंटीग्रेड। द हीट लॉस फ्रॉम द रूम इज 20 किलोवाट द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ पंप। तो आपको बता दोस्तों जो सी ओ पी ऑफ हीट पंप होता है वो होता है आपका हाइयर टेम्परेचर यानी टी वन को हम हाइयर टेम्परेचर लें डिवाइडेड बाई डिफरेंस माइनस डिफरेंस ऑफ हाइयर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से आ जाएगा सी ओ पी जो होगी 10 होगी, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा सी ओ पी। हम जानते हैं जो सी ओ पी होता है दोस्तों होता है डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। तो हमारा डिजायर इफेक्ट है यहाँ पे दोस्तों 20 किलोवाट डिवाइडेड बाई, अगर सी ओ पी को नीचे भेजें तो आपका आ जाएगा टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सी ओ पी हमारा 10 आया था डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आ जाएगा जो हमारा वर्क इनपुट हो जाएगा वो आ जाएगा 2 किलोवाट। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विथ टू पार्ट ऑफ एंट्रोपी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टली। तो हमको पता है दोस्तों जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो होती है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ऑप्शन वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टूअर्स डेटोनेशन इन इंजन। तो आपको बता दें दोस्तों अगर इंजन ओवर हीटिंग है तब भी हमारा इफेक्ट होता है डेटोनेशन, वहीं हाईअर कंप्रेशन है तो आपका आंसर हो जाएगा आल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मीटिंग ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन पी वी रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन ऑन पी वी डायग्राम ऑफ प्योर सबस्टेंस इज कॉल्ड। अगर हम पी वी डायग्राम ड्रा करें दोस्तों फॉर प्योर सबस्टेंस, तो ये होती है आपकी लिक्विड लाइन और ये होती है आपकी वेपर लाइन, जहाँ हाइएस्ट पॉइंट पे मीट करती हैं यही आपका कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, विच बिलो सीटेड स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट रिचर वायर ऑफ हीट इट हैज़ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपका सही है दोस्तों जो हीट रिजर्वायर होता है उसका कम टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता है। इट आल्सो नोन एज थर्मल बास, ये भी करेक्ट है। इट हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, दोस्तों आप कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट या दे सकते हैं इसको। वहीं बात करें फोर्थ की, देयर इज़ नो रियल हीट रिजर्वायर, ये गलत है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर, क्योंकि जो यूनिवर्स है दोस्तों वो हमारा एक थर्मल रिजर्वायर है। तो आपका ऑप्शन फोर इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लें, इफ़ हीट इंजन प्रोड्यूसेस वर्क ओनली बाई इंट्रैक्टिंग ही
विथ वन सोर्स विच काइंड ऑफ मशीन इज। तो आपको बता दोस्तों, अगर कोई हमारी सिस्टम है वो ओनली वन रिजर्वायर से हीट ले और उसको होल हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में, तो हमारी मशीन ऐसी कहलाती PMMM2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें दोस्तों, परपेचुअल मोशन का मशीन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, व्हाट इज़ द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। तो आपको बता दें, ड्राइनेस फ्रैक्शन को एक्स डिफाइन करेंगे, ये होता है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। चूँकि सैचुरेटेड लिक्विड की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे वेपर है ही नहीं, तो वेपर का हो जाएगा यहाँ जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई टोटल, तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो। ऑप्शन वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, व्हाट हैपेंस ऑफ COP ऑफ हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज इंक्रीज। तो आपको बता दें दोस्तों, जो अगर COP की बात करें ऑफ हीट पंप, तो वो होता है हाइयर टेम्परेचर, यानी T1 अगर हाइयर टम्प करे डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन हाइयर एंड लोअर टेम्परेचर। चूँकि हम डिफरेंस बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपका COP है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हो जाएगा डिक्रीज, तो आपका आंसर हो जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, हीट इंजन परफॉर्म ऑफ वर्क ऑफ 100 किलो जूल पर साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 50%, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। तो आपको बता दें दोस्तों, जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 1-Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाइड। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा क्यू रिजेक्टेड माइनस क्यू सप्लाइड इजकल टू 0.5। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू रिजेक्टेड जो हमें मिलेगा दोस्तों 0.5 इंटू 100, तो आ जाएगा 50 किलो जूल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें वर्क इनपुट दिया गया है, तो जो वर्क इनपुट होता है वो होता है क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो क्यू रिजेक्टेड वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू सप्लाइड माइनस 100। यहाँ से पुट करेंगे दोस्तों, तो हमारा आपका आंसर आएगा 100 किलो जूल, 50 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, द फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड ऑफ। जो फाउंड्री क्रूसिबल होता है दोस्तों, वो ग्रेफाइट का बना होता है, आपको ध्यान रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर एमॉर्फस मटेरियल। तो दोस्तों बता दें, एमॉर्फस मटेरियल होता है आपका ग्लास, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट। डैश हैज मैक्सिमम मेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें दोस्तों, जो लेड होता है वो आपका मैक्सिमम मेलेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। मेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी होती है टू ड्रा इन थिन शीट्स, सीट्स के फॉर्म में हम ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, एफ्लूज इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज। तो आपको बता दें, जब हमारा फ्लूड इनविसिड हो दोस्तों, यानी जो विस्कासिटी हो उसकी जीरो हो और इनकम्प्रेसिबल हो, जो डेंसिटी चेंज हो वो आपका नेग्लिजिबल हो, तो आपका आंसर हो जाएगा इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच आर फॉलोइंग डायमेंशन लेस। तो आपको बता दोस्तों, जो ऑप्शन होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो दोस्तों होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। तो चूंकि दोस्तों ये डेंसिटी का रेशियो, इसलिए ये डायमेंशन लेस होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, द सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ। तो आपको बता दें, जो सरफेस टेंशन सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, आपका आंसर थर्ड इज करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, द एल्कोहल इज यूज्ड एज ए मैनोमीटर बिकॉज, आपको बता दोस्तों जो हाइट ऑफ कैपिलरी होती है वो होती है 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो डी जी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के, तो होगा इट कैन बी प्रोवाइडेड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लोअर डेंसिटी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, तो आपको बता दोस्तों पॉइज होती है आपकी विस्कासिटी यानी म्यू की यूनिट, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। एक पॉइज की बात करें तो ये इक्वल होता है दोस्तों 0.1 पास्कल सेकेंड के, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ सबमरीन मूविंग इन डीप सी, तो आपको बता दें दोस्तों जो पिटा ट्यूब होता ही है वो बेलास्टी मेजर करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th, नान ऑफ दीज। वहीं बात करें वेंचुरीमीटर की तो आपका मेजर करता है डिस्चार्ज, एनेमोमीटर की तो ये एयर वेलोसिटी को मेजर करता है, वहीं आरपीएस प्लेट भी डिस्चार्ज आपका मेजर करता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन अ फ्लूइड फ्लो, तो आपको बता दें जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है दोस्तों वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेट दैट द रेट फ्लो ऑफ इन फ्लो इन टू स्मॉल वॉल्यूम मस्ट बी 0, जो चेंज इन मास होगा दोस्तों वो आपका 0 होगा, यही होगी आपका कंजर्वेशन ऑफ मास ला। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, इन सीरीज ऑफ पाइप एप्लीकेशन, तो आपको बता दें दोस्तों जब भी आपकी दो पाइप सीरीज कम्बिनेशन में हैं तो यहाँ से मान लीजिए जो डिस्चार्ज होगा क्यू इजकल टू वो आपका इक्वल होगा Q1 = Q2 = Q, बट जो हेड लॉस होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए L1 पाइप है ये और L2 पाइप है ये, तो दोस्तों में अलग अलग होगा, तो जो हेड लॉस हमारा टोटल होगा वो हेड लॉस होगा H1 और हेड लॉस आपका 2, तो आपका आंसर हो जाएगा हेड लॉसेस थ्रू ईच पाइप एडेड टू ऑब्टेन द टोटल लॉस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, द हाइड्रोलिक डायमीटर यूज फॉर प्लेस ऑफ डायमीटर ऑफ नॉन सर्कुलर डक्ट, तो आपको बता दें जब भी नॉन सर्कुलर डक्ट की बात करें जो हाइड्रोलिक डायमीटर आता है दोस्तों वो आता है 4 × एरिया / पेरीमीटर, आपको ध्यान रखना जो पेरीमीटर होता है दोस्तों वेटेड पेरीमीटर होता है, यहाँ पेरीमीटर को एम से डिफाइन किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd, 4a/m। 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोलिक रैम इज डिवाइस, तो आपको पता है दोस्तों हाइड्रोलिक रैम डिवाइस है जो आपका वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है फॉर वाटर लिफ्टिंग, तो बीट वाटर एंड लिफ्ट इट, तो आपका आंसर 4 इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, फॉर अ साइपन टू वर्क सेटिस्फैक्ट्री द मिनिमम प्रेशर इन द पाइप एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड शुड बी, तो आपको बता दें दोस्तों जब भी हमारा वर्किंग प्रेशर जो होता है अगर लेस देन है वेपर प्रेशर से, तो वहाँ से हो जाता है आपका कैविटेशन प्रोड्यूस जनरेट होता है कैविटेशन, तो ये आपका जो मिनिमम प्रेशर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए आपका वेपर प्रेशर, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर टू अवॉइड कैविटेशन। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो आपको बता दें जो दोस्तों वाटर हैमर होता है ये यू आपका प्रोड्यूस होता है पाइप में, अगर हम किसी पाइप का सडन इनक्लोजर करते हैं तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है जो हाई इम्पैक्ट आपका प्रोड्यूस करती है वाल ऑफ पाइप पे, ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, एन एयर वेसल इज यूजली प्रोवाइडेड एट द समिट ऑफ साइपान ऑर्डर टू, तो आपको बता दें जो एयर वेसल यूज होता है दोस्तों वो आपका कंटिन्यूस सप्लाई के लिए यूज होता है, तो यहाँ से हो जाएगा टू अवॉइड इंटरप्शन इन फ्लो, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 74 की बात करें,
When the depth of water in a open channel is greater than the critical depth, then flow is said to be. तो ये फ्लो कहलाता है अब दोस्तों ट्रैंक्विल फ्लो, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ. 75 की बात करें, द डिस्चार्ज थ्रू द रेक्टेंगुलर नोच वियर, तो आपको बता दें जो दोस्तों रिलेशन होता है डिस्चार्ज में वो आपका होता हेड के पावर 3/2, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड. क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोर्स टू, तो आपको बता दें दोस्तों जो वेबर नंबर होता है वो होता है एनर्जी ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन फोर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लें, द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन बॉयलर फ्रॉम एट द, तो आपको बता दें इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की रिप्रेजेंट होती है दोस्तों अमाउंट ऑफ वेपर प्रोड्यूस एट 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड 100 डिग्री सेल्सियस. 78 की बात कर लें, स्टीम इंजन ऑपरेट ऑन, तो आपको बता दें जो स्टीम इंजन यूज होता है दोस्तों वो ऑपरेट होता है रैंकाइन साइकिल पे, तो आपका आंसर हो जाएगा नान ऑफ दीज. 79 की बात करें, द नंबर ऑफ ड्रम यूज इन बेंसन स्टीम जनरेटर, तो आपको बता दें दोस्तों जो बेंसन स्टीम जनरेटर तो उसमें कोई ड्रम यूज नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो ड्रम. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, अ हीट इंजन यूटिलाइज, तो आपको बता दें दोस्तों हीट इंजन होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ जो ऑयल की होती है लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल वही यूज करता है आपका हीट इंजन, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लें, द रीजन फॉर सुपर चार्जिंग इन इंजन इज टू, तो आपको बता दें दोस्तों जो सुपर चार्जिंग यूज होता है वो आपका रेसिंग कार में यूज होता है टू इंक्रीज पावर, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज पावर. क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लें, आइसो ऑक्टेन इज, तो आपको बता दें दोस्तों आइसो ऑक्टेन होता है हैज़ ऑक्टेन नंबर ऑफ 100, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लें, विच ऑफ सपोर्ट है सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट, अगर बात करें हिंज की दोस्तों अगर हमारा कोई हिंज सपोर्ट है तो उसमें आपके दो रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकल आता है और एक हॉरिजॉन्टल आता है. वहीं बात कर लें रोलर सपोर्ट की दोस्तों तो इसमें ओनली वन आता है जो रिएक्शन वो वर्टिकल रिएक्शन आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोलर सपोर्ट. वहीं बात करें फिक्स सपोर्ट की तो इसमें आपका एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है एक वर्टिकल और एक मोमेंट भी आता है, आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, देयर इज ए डैश फॉर ब्रिटल मटेरियल, आपको बता दें जो फ्रैक्चर होता है दोस्तों वो जो ब्रिटल मटेरियल में कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता इसलिए आपका फ्रैक्चर विथआउट इलांगेशन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो प्लास्टिक जोन. क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, द कॉलम ऑफ लेंथ इज 8 मीटर विथ बोथ इंड फिक्स्ड कंसीडर एज इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ लेंथ, तो आपको बता दें दोस्तों जब भी आपका बोथ इंड फिक्स्ड है तो जो आपका इक्विवेलेंट लेंथ आती है वो आती है एल बाई टू, तो आप यहाँ पे हो जाएगा 8/2, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाए सेकेंड होगा दोस्तों 4 मीटर. क्वेश्चन नंबर 86, स्टेट वेयर द ऑल फेज ऑफ वाटर कैन बी साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट इज कॉल्ड, तो आपको बता दें दोस्तों जो ट्रिपल पॉइंट होता है वहाँ पे तीनों फेज ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, 3 फेज ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट लाइन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, व्हाट इज अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल, तो आपको बता दें दोस्तों अगर हम डीजल साइकिल ड्रा करें पीवी डायग्राम
प्रोसेस 1 to 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 to 3 है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, प्रोसेस 3 to 4 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 है दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। चूँकि जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। चूँकि जो ऑटो साइकिल में होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो हीट एडिशन होता है, इसलिए हम जो ऑटो साइकिल होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। आपको वो भी पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लें, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन स्टील इट्स डैश डिक्रीज, तो आपको बता दें दोस्तों अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी दोस्तों तो डक्टिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लें, द क्वार्टर जॉइंट इज़ यूज टू कनेक्ट रॉड विथ आर, आपको बता दोस्तों क्वार्टर जॉइंट टेंशन और कंप्रेशन बोथ जॉइंट को यूज करने के लिए होता है, फोर्स को वियर करता है आपका टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ फोर्स को वियर करता है क्वार्टर जॉइंट। आपकी ट्रैक्टर की टाली जो इस जॉइंट से जुड़ती है दोस्तों वही होता है आपका क्वार्टर जॉइंट। वहीं बात करें नकल जॉइंट की, तो नकल जॉइंट आपका दोस्तों ओनली टेंशन वियर करता है, आपकी जो साइकिल की चेन होती है वहाँ पे आपका होता है नकल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लें, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन आती है दोस्तों जो मैक्सिमम टेंशन आता है वो आता है 3 times ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लें, इन फ्री बॉडी डायग्राम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑफ बॉडीज, तो आपको बता दें जब भी हमारा फोर्स लाइन ऑफ एक्शन सेम हो दोस्तों तो हम फोर्स को कहीं भी लाइन ऑफ एक्शन के अलांग ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसका इफेक्ट सेम होगा, तो आपका यह आंसर हो जाएगा स्लाइडिंग वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहे हैं, विच लॉ इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स ला, तो आपको बता दें 3 ला दिए दोस्तों न्यूटन ने, फर्स्ट ला है आपका इनर्शिया ला, वहीं सेकंड ला की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, सेकंड ला होता है, वहीं थर्ड ला बोले तो आपका होता है एक्शन रिएक्शन ला, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ला। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लें, इफ सी ओ पी ऑफ कारनाट रेफ्रिजरेटर इज 5 देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कारनाट इंजन वुड बी, तो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर दोस्तों होता है लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन लोअर माइनस हाइयर, यहाँ से आप 5 पुट करेंगे और T2 और T1 में रिलेशन पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, यहाँ से आप जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5T1 माइनस 5T2 इजकल टू T2, तो यहाँ से आ जाएगा T2 बाई T1 इजकल टू 5/6। तो जो हम जानते हैं एफिशिएंसी होता है दोस्तों वो होता है 1 - T2/T1, जहाँ T2 आपका लोअर टेम्परेचर है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 5/6, ये हो जाएगा 1/6, तो यहाँ से आपका जो एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों 0.16 के आसपास होगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज इन सीरीज, देयर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आर 4 and 5 रेस्पेक्टिवली, द सी ओ पी ऑफ कंपोजिट, तो जो इक्विवेलेंट सी ओ पी आती है दोस्तों वो आती है, फार्मूला जो होता है इक्विवेलेंट की बात करें तो होता है सी ओ पी ऑफ 1 इन मल्टीप्लाइड सी ओ पी ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी ओ पी ऑफ 1 प्लस सी ओ पी ऑफ 2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 into 5 डिवाइडेड बाई 1 + 4 + 5, तो आ जाएगा 20 / 10 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, द रिएक्शन टर्बाइन हैज द हीट ड्रॉप फिक्स ब्लेड इज 8 किलो जूल पर केजी एंड टोटल हीट ड्रॉप इज 20 किलो जूल पर केजी, द डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो आपका जो बता दोस्तों, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है इनथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई टोटल इनथैल्पी ड्रॉप। जो मूविंग ब्लेड में ड्रॉप आएगा दोस्तों वो आएगा 12/20, तो आपका जाएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ रैंक सुपर हीट रैंकाइन साइकिल इज हायर देन द सिंपल रैंकाइन साइकिल। तो आपको बता दें दोस्तों, ये ज़्यादा होती है एफिशिएंसी, क्योंकि जो मीन टेम्परेचर आता है वो ज़्यादा आता है आपका, हीट एडिशन ऑफ मीन टेम्परेचर इज हायर। तो आपका आंसर हो जाएगा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज हायर फॉर सुपर हीट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 के बाद ये 97 होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो ये हो जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 97, द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर डिपेंड डिनोटेड बाई। दोस्तों ये डिफरेंस डिनोट होता है एफ जी से, वी सफिक्स एफ जी, तो यही होता है वी वेपर माइनस वी लिक्विड, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98 होगा दोस्तों, ये 98 है, ए सॉलिड कैन रेजिस्ट विथ द फॉलोइंग स्ट्रेस। जो सॉलिड होता है दोस्तों वो आपका तीनों स्ट्रेस आपका वियर कर सकता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड सीयर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। वहीं आपका 98 की बात करें, द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो आपको बता दें दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो आपका रिवर्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्सन टर्बाइन। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये पर्सन टर्बाइन की जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है 0.5 होती है। वहीं बात करें हीरो टर्बाइन की, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका इक्वल होती है 1 के, डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 होती है। वहीं आप बात कर लें क्वेश्चन नंबर 100 की, दोस्तों नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, एन इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर। तो आपको बता दें जो आपका इम्पल्स टर्बाइन होता है वो हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए यूज होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहे 100 क्वेश्चन दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।